एवरीवन, दिस इज पंकज, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैकर रैंक पर जो चैलेंज चला हुआ था 30 डेज ऑफ कोड, उसके आज हम सोल्व करेंगे डे नंबर 20 वाले केस स्टडी, जिसका नाम है सॉर्टिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ओपन करना है अपना ब्राउज़र और ओपन कर लेना है हैकर रैंक का प्लेटफॉर्म। और ओपन करने के बाद आपको जाना है डैशबोर्ड पर, और यहाँ पर आपको मिलेगा एक 30 डेज ऑफ कोड का एक बॉक्स, और यहाँ पर लिखा होगा कंटिन्यू प्रैक्टिस। आपको इसको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि आज जो बारी है वो है डे नंबर 20, जिसका नाम है सॉर्टिंग। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने अभी तक कौन कौन सी केस स्टडीज को सोल्व कर लिया है, तो आपको क्लिक करना होगा सोल्व पर, और जो अनसोल्व टिक है उसको हटा देना है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि डे 0 से डे नंबर 19 तक आपने सभी केस स्टडीज़ को सोल्व कर लिया है। तो आज जो बारी है वो है डे नंबर 20, सॉर्टिंग। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्लिक करते हैं सोल्व चैलेंज पर। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले कुछ थ्योरी पार्ट दिया हुआ है, उसके बाद कुछ सैम्पल इनपुट है, फिर सैम्पल आउटपुट, और सबसे लास्ट में आता है हैकर रैंक का कोड एडिटर। तो अभी देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या क्या बताया हुआ है। तो जैसे कि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि एक क्वेश्चन होने वाला है सॉर्टिंग का। तो सॉर्टिंग होता क्या है? सॉर्टिंग एक टेक्निक होती है अपने डेटा को अरेंज करने की। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि सॉर्टिंग कितने टाइप्स की होती है, तो जो सॉर्टिंग होती है वो काफ़ी सारे टाइप्स की होती है, जैसे क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन, सिलेक्शन, हीप, रेडिक्स और बकेट। ये काफ़ी सारे तरह के सॉर्टिंग टेक्निक्स होती है, आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बट हम इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं बबल सॉर्ट, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया हुआ है कि टुडे वी वर डिस्कसिंग ए सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम कॉल्ड बबल सॉर्ट। तो अभी बबल सॉर्ट के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि बबल सॉर्ट होता क्या है और उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं इस पेज पर और देखते हैं कि बबल सॉर्ट होता क्या है। तो यहाँ से बताया हुआ है कि बबल सॉर्ट इज़ ए सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। दिस सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम इन विच ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट इज कंपेयर्ड एंड द एलिमेंट्स आर स्वैप्ड इफ दे आर नॉट इन ऑर्डर। यानी कि जो बबल सॉर्ट होते हैं वो सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है, जो कि यूज़ होती है किसी भी दो डेटा को कंपेयर करने में। अगर ये डेटा ज़्यादा बड़ा है, जैसे यहाँ पर बताया हुआ है कि दिस एल्गोरिथम इज़ नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डेटा सेट। अगर हमारा डेटा कुछ ज़्यादा बड़ा है तो ये उसमें काम नहीं करेगी, काम करेगी लेकिन उसके लिए सुटेबल नहीं है, उसके लिए हम दूसरे वाले एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे। तो ये जो एल्गोरिथम है बबल सॉर्ट, ये यूज़ होती है कंपैरिजन बेस, यानी कि किसी भी दो डेटा को कंपेयर करेंगे और उसको अरेंज कर देंगे गिवन फॉर्मेट में। तो अभी वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, या फिर अगर आप देखना चाहो तो नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमें डेटा मिला हुआ था अनसॉर्टेड 14, 33, 27, 35, 10, ये भी किसी अरेंज फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको अरेंज करना होगा। सबसे पहले हम स्वैप करेंगे स्टार्टिंग के टू एलिमेंट्स, यानी कि 14 और 33। तो अभी दोनों बिल्कुल अरेंज फॉर्मेट में। उसके बाद हम सॉर्ट करेंगे 33 और 27, तो 27 पहले आ जाएगा और 33 बाद में चला जाएगा। उसी हिसाब से हम सारी जो वैल्यूज़ या डेटा है उसको सॉर्ट कर लेंगे, और सबसे लास्ट में जो आता है हमारा डेटा वो आता है 10, 14, 27, 33, 35। यानी कि जो डेटा था वो अरेंज हो चुका है हमारे असेंडिंग ऑर्डर फॉर्मेट में। तो ये होता है हमारा बबल सॉर्ट टेक्निक, या फिर बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। और नीचे इसका कुछ फॉर्मेट गिवन है। तो अभी वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमारे। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेट आपके सामने गिवन है। सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर लूप गिवन है, जो कि 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन एन तक रन करेगा, और जो आई की वैल्यू है वो प्लस प्लस इंक्रीज़ होती जाएगी। उसके बाद यहाँ कमेंट से बताया हुआ है कि ट्रैक द नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्वैप ड्यूरिंग ए सिंगल एरे ट्रांसवर्सल। उसके बाद एक इंटीजर फॉर्मेट में वेरिएबल बनाना है जिसका नाम होगा नंबर ऑफ स्वैप्स, इसको 0 से इनिशियलाइज करना होगा। उसके बाद एक सेकेंड फॉर लूप रन करना है, जो कि 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन एन माइनस 1 तक चलेगा, और वो इंक्रीमेंट होता जाएगा। उसमें करना क्या होगा? स्वैप एडजेसेंट एलिमेंट्स इफ दे आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि अगर हमारा जो डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो उसको ये अरेंज कर देगा फॉर्मेट में, और सबसे लास्ट में उसको प्रिंट कर देगा कि जिसका जो डेटा है वो कितने सॉर्ट्स के बाद जा कर के अरेंज हुआ है, उसके नंबर प्रिंट कर देगा। तो अभी टास्क में देखते हैं टास्क में क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पर हमें तीन टास्क
तो यहाँ पर जो सबसे पहला टास्क गिवन है वो ये है कि एरे इज सॉर्टेड इन नम स्वैप स्वैप्स वेयर नम स्वैप्स इज द नंबर ऑफ स्वैप्स दैट टुक प्लेस। यानी कि जो नम स्वैप का नाम वेरिएबल है वो ये है कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स है ये उसकी काउंटिंग करेगा। उसके बाद आता है फर्स्ट एलिमेंट, फिर आता है लास्ट एलिमेंट। तो हमें सबसे पहले तो नंबर ऑफ स्वैप्स प्रिंट करने की, वो जो एरे होगा उसको सॉर्ट करने में कितनी बार हमें सॉर्टिंग करनी पड़े उसके नंबर्स, सेकंड जो सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको प्रिंट करना होगा, और थर्ड जो सबसे लास्ट में एलिमेंट है हमें उसको भी प्रिंट करना होगा। तो एग्जांपल में देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक एरे गिवन था 4, 3, 1, 2, तो सबसे पहले 4 और 3 को कंपेयर किया, फिर 3, 1 को, फिर 1, 2 को। तो ऐसे करते करते सबसे लास्ट में जो सॉर्ट होने के बाद हमारा एरे आता है वो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 1 होगा, और जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा वो होगा 4, और जो टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स हुए वो होते हैं 5। तो अभी देखते हैं आगे और भी एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर इनपुट किया था 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1, 2, 3, तो इनको जो स्वैप्स किया वो 0 स्वैप्स में हो गए क्योंकि ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है 1, 2, 3। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है 1, जो लास्ट एलिमेंट है वो है 3। तो इसमें हमें कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक यूज़ नहीं करनी पड़ी है। तो चलते हैं अपने हैकर रहेंगे कोड एल्ड्रे पर और करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको चूज़ करनी होगी लैंग्वेज, जो कि है सी लैंग्वेज। और चूज़ करने के बाद जो यहाँ पर पहले से कोड गिवन है आपको इसको हटा देना है। तो सबसे पहले आपको ऐड करनी होगी हेडर फाइल्स, तो वे कौन कौन सी ऐड करेंगे, तो जल्दी जल्दी से टाइप करते हैं अपनी सारी हेडर फाइल्स जो हमें इस क्वेश्चन में नीडेड है उस सभी को। तो हमने जो सारी हेडर फाइल्स थी वो ऐड कर ली है। सबसे पहले हमने ऐड की math.h, सेकंड stdio.h, थर्ड string.h, फोर्थ stdlib.h, फोर्थ sr.h और limits.h, और सबसे लास्ट में जो ऐड की वो की stdbool.h। तो हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद अब बारी आती है कि हम क्रिएट करें मेन फंक्शन को। तो टाइप करते हैं int main, तो सबसे पहले आपको दो इंटीजर वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, पहला n के नाम से और सेकंड करना होगा नम स्वैप के नाम से। और जिसको इनिशियलाइज कर देना है 0 से, और उसके बाद आपको जो n वेरिएबल क्रिएट किया है उसका इनपुट लेना है scanf की हेल्प से। उसके बाद हमें यहाँ पर एक इंटीजर पॉइंटर क्रिएट करना होगा, तो उसके लिए टाइप करते हैं int asterisk a, जो कि हमारे एक पॉइंटर है इंटीजर फॉर्मेट का, इक्वल्स टू malloc। malloc की फुल फॉर्म होती है मेमोरी एलोकेशन। ये यूज़ होता है कि अगर हम किसी भी एक वेरिएबल्स के लिए या फिर किसी एरे के लिए एक मेमोरी क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं malloc।
और यहाँ पर हमने पॉइंटर का साइज नोट किया है, जो कि साइज रहने वाला है इंट के हिसाब से। जितना साइज इंट का रहेगा उसी साइज का हमारा एक इंटीजर पॉइंटर क्रिएट हो जाएगा। तो इतना काम करने के बाद अभी हमें यहाँ पर रन करना होगा एक फॉर लूप, जो कि हमारे सारे एरे का इनपुट लेगा। तो उसके लिए टाइप करते हैं फॉर लूप। जो कि जीरो से स्टार्ट होगा और चलेगा लेस देन एन तक। और साथ ही साथ ही इंक्रीमेंट होता रहेगा। आपको इन वेरिएबल्स का खास तौर पर ध्यान रखना है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक गलती की थी कि यहाँ पर मैंने यूज़ किया ए अंडर स्कोर आई, यहाँ पर यूज़ किया ए अंडर स्कोर आई, बट यहाँ पर यूज़ किया आई, तो आई नहीं होगा, ये भी ए अंडर स्कोर आई ही होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें इनपुट लेना होगा स्कैनअप की हेल्प से। तो अभी टाइप करते हैं स्कैनअप। तो अभी हमारे जो एरे था उसका इनपुट हो चुका है। तो अब जो बारी आती है वो आती है कि हमें एक फॉर लूप और रन करना होगा, जिसमें जो सभी कैलकुलेशंस है वो कंप्लीट होने वाली है, और साथ ही वो कंपेयर भी करेगा कि हमारा पहले कौन सा एलिमेंट आने वाला है, उसके बाद कौन सा एलिमेंट आने वाला है, वो उसको भी अरेंज करेगा साथ ही साथ। तो उसके लिए टाइप करते हैं एक और फॉर लूप। आप चाहो तो उसको यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। या फिर आप इसको मैनुअली टाइप भी कर सकते हो, बट टाइम सेव करने के लिए आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो साइड से। तो आई जो है वो जीरो से स्टार्ट होगा और लेस देन चलेगा एन तक। और इसके बाद हमें यहाँ पर एक फॉर लूप और रन करना होगा। तो उसके लिए हम टाइप करते हैं फॉर लूप, जो कि जीरो से स्टार्ट होगा और रन करेगा लेस देन एन माइनस वन तक। इसके अंदर हमारी जितनी भी कैलकुलेशंस है वो रन होने वाली है। तो जो पहले कंडीशन रहेगी वो ये रहेगी कि वो चेक करेगा कि हमारा पहले वाला एलिमेंट सेकंड वाले से बड़ा है कि छोटा है। तो उसके लिए हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ की हेल्प से। तो टाइप करते हैं इफ़, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है अगर वो ग्रेटर देन होता है सेकंड वाले एलिमेंट से, अगर हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट ग्रेटर देन होता है सेकंड वाले से, तो हमारा ये जो कैलकुलेशंस है वो रन होएगी। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले हमें एक इंटीजर नाम का वेरिएबल बनाना होगा। तो टाइप करते हैं इंट और वेरिएबल का नाम रखेंगे हम टेम्प, और टेम्प को असाइन कर देंगे हमारे फर्स्ट वाले वेरिएबल से, यानी कि ए जे। तो हमारा जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी वो स्टोर हो चुकी है टेम्प नाम के वेरिएबल में। ए जे इज गोज टू ए जे प्लस वन, तो जो सेकेंड वाली वैल्यू थी वो आ चुकी है फर्स्ट वाले के प्लेस पर। तो अभी हमें करना क्या है कि सेकेंड वाले के प्लेस पर फर्स्ट वाली वैल्यू लानी है। तो उसके लिए टाइप करते हैं ए जे प्लस वन इक्वल्स टू टेम्प। टेम्प वो है जिसमें हमारी पहले वैल्यू सेव हुई थी। तो यहाँ पर हमने दोनों वैल्यू को स्वैप कर लिया है। और उसके बाद करना क्या है कि जो हमने ऊपर एक वेरिएबल क्रिएट किया था नम स्वैप के नाम से, इसको करना है इंक्रीमेंट। तो उसके लिए टाइप करते हैं नम स्वैप प्लस प्लस, यानी कि इंक्रीमेंट। तो अभी हमारा जो बबल सॉर्ट का काम था वो हो चुका है कंप्लीट। अब जो बारी आती है टास्क नंबर वन की। टास्क वन में बताया है कि हमें प्रिंट करने होंगे नंबर ऑफ स्वैप्स, यानी कि हमें प्रिंट करना है नम स्वैप नाम का वेरिएबल। तो इसको प्रिंट करने के लिए टाइप करते हैं प्रिंट एफ। एरे इज सॉर्टेड इन परसेंटाइल डी स्वैप्स। परसेंटाइल डी जो है वो हमारे हो गए नंबर ऑफ स्वैप्स। और यहां पर यूज करेंगे बैक स्लैश एन न्यू लाइन के लिए। और यहाँ पर टाइप करते हैं नम स्वैप, जो
जो हमने ऊपर एक वेरिएबल क्रिएट किया था जिसको इंक्रीमेंट किया था वो। अब बारी आती है टास्क नंबर 2 की। इसमें हमको प्रिंट करना होगा सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट, तो उसके लिए टाइप करते हैं प्रिंट एफ। फर्स्ट एलिमेंट परसेंटाइल डी बैकस्लैश एन न्यू लाइन के लिए, और यहाँ पर टाइप करना होगा ए 0, जो हमारा फर्स्ट वाला वेरिएबल था या फिर फर्स्ट वाली जो वैल्यू थी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अब बारी आती है टास्क नंबर 3 की, जिसमें प्रिंट करना होगा सबसे लास्ट वाला एलिमेंट। उसके लिए टाइप करते हैं प्रिंट एफ। लास्ट एलिमेंट परसेंटाइल डी बैकस्लैश एन न्यू लाइन के लिए, और यहाँ पर टाइप करना होगा ए एन माइनस 1। तो सबसे लास्ट का जो वैल्यू थी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो अभी हमारे तीनों टास्क हो चुके हैं कंप्लीट। अब करते हैं इसको टेस्ट। तो क्लिक करना होगा रन कोड पर। तो अभी हमारे प्रोग्राम में एक एरर है, और वो एरर आप यहाँ पर भी टेस्ट कर सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो ये है और जो आउटपुट आना चाहिए वो ये है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस तो हमारे सामने ही है कि जो ये लास्ट एलिमेंट है और फर्स्ट एलिमेंट है इसके बीच में एक स्पेस आना है। तो चलते हैं अपने कोड पर और इसको करते हैं सही। अब दोबारा से इसको टेस्ट करते हैं कि हमारा सही है या नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो कोड है वो बिल्कुल सही है। तो इससे ये होता है कि आपको हर एक लाइन का जितने भी वर्ड्स हैं सबको एक एक स्पेस से सेपरेट करना है, और आपको हर एक वर्ड का यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो गलत ना हो जाए। अगर यहाँ पर हमने जो लैंग्वेज चूज़ की है वो केस सेंसिटिव है या नहीं है, अगर नहीं है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो सी है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो अभी करते हैं इसको सबमिट। आपका जो कोड था वो सबमिट हो चुका है, और यहाँ पर दिखाया हुआ है कि यू हैव अर्न 30 points, और यहाँ पर एक मैसेज मिला है कॉन्ग्रेचुलेशंस का। तो अभी बारी आते हैं हम वापस ले 30 days ऑफ कोड पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने डे 0 से डे नंबर 20 तक हमने सभी केस स्टडीज़ को सोल्व कर लिया है। तो अब जो बारी है डे नंबर 21, जिसका नाम है जेनरिक्स, इसको हम सोल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। तो अगर आपको कोई भी केस स्टडी सोल्व करने में कोई भी एरर आती है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।